अलग अलग कौमां नूं खत्म करने की नीति चल रही है। साडा संविधान कहिंदा कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट आ, यह अलग अलग सूबिआं दा इक संघ आ जां अलग अलग कौमां दा इक संघ आ। इहदा मतलब जिवें आपां कोई पंज सत्त जणे इकट्ठे हो के किसी इक जगह ते रह रहे होईए, इस तरह की एक चीज आ। पर जे लोग अलग अलग ने, जे अलग अलग लोग आपकी मर्जी नाल इकट्ठे हो सकते हैं तो आपकी मर्जी नाल अड्ड भी हो सकते हैं। मतलब यह कोई भारत है, एक अखंड भारत कोई नक्शे से हमेशा तो इस तरीके का भारत नहीं है। ये अलग अलग जो सूबे अलग अलग कौम इतने इकट्ठिया हुई हुई संघ के पूरे संसार के जी जमहूरी मानता चलती है तो किसी कौम या किसी सूबे किसी एक यूनियन के शामिल होने का हक है तो उन्होंने अड्ड होने का भी हक होना चाहिए। पर 47 तो बाद इतने भारत के हाकमों को एक डर आ कि जेडे इतने अलग अलग कौम वसदियां ने यह कितने अड्ड हो सकदियां ने। जिवें कश्मीर के उत्तर पूर्व के एक लड़ाई चल रही है, उस तरह के रौले बाकी भारत च भी खड़े हो सकते हैं। इस करके इन्हें कट्ठे रखने का तरीका की देखते हैं, कट्ठे देखने का तरीका कट्ठे रखने का तरीका यह देखते हैं कि इतने अलग अलग कौमों की पछाण खत्म करके सारों एक बना दो। इस करके पूरे भारत च हिंदी सौंपी जाती है कि हुण जिवें आप गल करिए, पंजाब का बंदा गुजराती बंदे नाल, मराठा किसी महाराष्ट्र के बंदे नाल, बिहार के बंदे नाल, जां किसी बंगाल के बंदे नाल कोई सांझ महसूस नहीं करता। साडी भाषा अलग आ, साडा सभ्याचार अलग आ। इस करके पूरे भारत च हिंदी थोप के सारे लोगों की भाषा एक नवी एक नकली तरह की सांझ बनाने की कोशिश की जा रही है। पर यह जिहड़ियां नीतियां ने धक्के नाल केंद्री करनियां, कदे अलग अलग कानूनों के तौर पर, कदे GST के रूप में, कदे केंद्र आ भारत दे उन्हें संघ सरकार आख्या करो, यूनियन सरकार, केंद्र केंद्र जो केंद्र एक मान लेंगे जो सारिया चीजा दुआले घूमदियां ने। और मैं तुहानू मेरा जड़ा अंदाजा आया कि 9 जून का दिन पंजाब लई और भारत के इतिहास में एक इतिहासक दिन होगा। यह जो फैसला है ये बहुत दूर रात नतीजे निकलेंगे और इस करके तुम बड़े बधाई के पात्र हो। दूजी गल जी मैं सवाल वजो करना चाहना भी केंद्रीय यूनिवर्सिटियां का मतलब की, जिन्हों मैं संघ यूनिवर्सिटियां कह रहा, केंद्रीय यूनिवर्सिटी होवे क्यों, कोई क्यों हो गए? ये सिर्फ इस करके है कि यह जरा भारत राज है ये अपनी होर एक तरह की समझ रखता है और वह समझ जो सारे भारत के उत्ते थोपना चाहता है और यह सारे जेडे अखौते जड़े ने केंद्रीय इदारे ने वह समझदा एक तरह के संध बनते हैं। साडा नारा होना चाहिए पंजाब में एक भी यूनिवर्सिटी केंद्रीय यूनिवर्सिटी ना हो, सारिया यूनिवर्सिटियां जड़िया पंजाब च ने पंजाब दी यूनिवर्सिटियां पंजाब राज दी यूनिवर्सिटियां होन। और दूजी गल जी मैं करनी चाहना वो ये पंजाबी यूनिवर्सिटी बड़े घाटे जे पैसे नहीं लभदे, राज दीआं यूनिवर्सिटियां बड़े घाटे ने पैसे नहीं लभदे, जिहड़ियां केंद्र दीआं यूनिवर्सिटियां जिन्हां नूं आंदे ने इन्हां नूं तां उहदी कोई मुसीबत नहीं है, बठिंडे नूं कोई मुसीबत नहीं है, हैदराबाद नूं कोई मुसीबत नहीं है। ये केंद्रीय यूनिवर्सिटियां की कि कमाई कनेडा तो आती है, इन्हां दा प्यो कौन है जिहड़ा कमाई करके लिआउंदा, इत्थों जाती है पंजाब चों कमाई जाती है, कमाउण वाले सारे राज ने, असीं कमाउण वाले आ। इह केंद्र कौन हुंदा फंड करन वाला, असी पुछिए तुसी मंगो साथों फंड दे पैसे किन्ने सानू चाहिए ने, असी कमाउण वाले आ। सो यह जिहड़ा संकल्प है केंद्रीय यूनिवर्सिटी का, जी सेंट्रल यूनिवर्सिटी फंड दे, केंद्र सरकार फंड दे, सानू कोई किसी के फंडा की लोड़ नहीं, पंजाब की आमदन पंजाब कोल होवे, पंजाब का खर्च पंजाब आपे, जिनी साडी घट आमदन होगी घट नाल सार लवांगे, वध होगी वध नाल सार लवांगे। इस करके जिहड़ा केंद्र कुंद्र का संकल्प है इहदे बारे सोचण की लोड़ है और तुहाडा नारा होना चाहिए है कि पंजाब दियां सारियां यूनिवर्सिटियां पंजाब दियां ने, इहदा दा केंद्र दा कोई किसे तरह दा दखल नहीं होना चाहिए। और जो पंजाब अपने कमाई जिहड़ी है पंजाब दे हत्थ होवे, और जिन्ने सूबे अपने अनुपात दे हिसाब नाल आबादी दे हिसाब दे नाल केंद्र नूं दूजे देणगे, उन्हां को असीं विचों टैक्स दे दिया करांगे, फंड दे दिया करांगे, इह अपना काम चला लैण। मैं बहुता समां नहीं लैंदा, इक वार फिर तुहानूं मैं इस गल दी शलाघा करना है कि तुसीं इह बहुत वड्डा इक इतिहासक फैसला लिया है और इहदे इतिहासक नतीजे निकलणगे। बहुत बहुत धन्नवाद।